महेंद्रगढ़ दादरी रोड पर बनने वाले एक और ओवरब्रिज की टेस्ट जो हुआ उसकी फाइल को मिली स्वीकृति। सप्ताह भर में लगभग काम शुरू होने की उम्मीद है। महेंद्रगढ़ से होकर गुजर रहे स्टेट हाईवे को फोर लेन कराने का कार्य प्रगति पर है। दिसंबर 2022 में शुरू हुए इस मार्ग का अब तक करीब बताया जा रहा है कि 30% तक का कार्य लगभग हो चुका है। विभाग का दावा है कि दिसंबर 2023 तक इस मार्ग का लगभग 90% कार्य पूरा हो जाएगा। महेंद्रगढ़ में इस मार्ग पर बनने वाले ओवरब्रिज की टेस्ट फाइल पास हो चुकी है। ये काम भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। बता दें कि स्टेट हाईवे 148 बी जो अब महेंद्रगढ़ से आकोदा की सीमा से लेकर गांव कुक्सी तक फोर लेन बनाया जा रहा है। महेंद्रगढ़ में काफी वर्ष पहले दादरी फाटक पर ओवरब्रिज बनाया गया था जिसकी चौड़ाई काफी कम थी। इसी के साथ दूसरी ओर ओवरब्रिज बनाए जाने को लेकर जगह छोड़ दी गई थी। अब स्टेट हाईवे को फोर लेन बनाने का कार्य चल रहा है। ऐसे में ओवरब्रिज की भी चौड़ाई बढ़नी तय है। संबंधित विभाग के अनुसार पहले से बने ओवरब्रिज के साथ ही दूसरा और ओवरब्रिज भी बनाया जाना है जिसके लिए टेस्ट फाइल जो हुआ उसको स्वीकृति मिल गई है। इसका कार्य लगभग बताया जा रहा है कि इसी सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। गांव नांगल सिरोही के पास बाईपास बनाया जा रहा है कि यहां पर कुछ एरिया फॉरेस्ट विभाग का भी लगता है जिसके लिए विभाग ने स्वीकृति मांगी हुई है। स्वीकृति मिलने के बाद बाईपास के कार्य को भी जल्द ही पूरा करने के लिए विभाग तत्पर बताया जा रहा है। विभाग ने बाईपास के दोनों तरफ फॉरेस्ट के एरिया को छोड़कर जो एरिया बचा हुआ है उस एरिया में काम शुरू कर रखा है। तो आप क्या जानते हैं इस बारे में, आप अपनी राय जरूर दें और कमेंट करके बताएं। कैसी लगी खबर, देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16।